अस्सलाम वालेकुम, मैं अफरोज़ कुरैशी। आज कुरैशी स्पेशल कीमा करेले की रेसिपी लेकर आई हूँ। हरी इलायची, लौंग, काली मिरी, सौंफ, खटाई, अखा धनिया, ज़ीरा, कलौंजी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, ये करेले की बीज है, दो प्याज है, इसको मैंने इस तरीके से काट ली हूँ। करेला है, इसको छील के नमक लगा के एक घंटा रखी थी और फिर इसको धो के जाली में रख दिए ताकि इसका पानी निकल जाए। और ये कीमा, तेल अपने हिसाब से ले लो, करेला है तो करेले में तेल ज़्यादा लगता है तो आप भी अपने हिसाब से ले लो। सारे अखे मसाले और अदरक लहसुन हरी मिर्च को एक साथ में पीस लेना है। तेल गरम हो गया है, करेले को फ्राई करना है। करेले को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। करेला फ्राई हो गया है, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, बस इतना करना है कि थोड़ा वही तेल में प्याज डालना है। अब प्याज को अच्छे तरीके से कच्ची पक्की करना है। प्याज ऐसे कच्ची पक्की हो गई है, इतनी ही कच्ची पक्की चाहिए और मैंने करेले के बीज भी इसके साथ में डाल दी हूँ। अब जो सौंफ, अखा धनिया, जो जितना गरम मसाला पीसने का था ये सब पीस के हमने डाल दिए और इसको अच्छी तरीके से मिलाना। मसाले को अच्छी तरीके से मिलाना है ताकि अदरक लहसुन की थोड़ी सी स्मेल चली जाए। मसाले को अच्छी तरीके से मैंने भून ली हूँ। हल्दी अपने हिसाब से ले लो क्योंकि इसमें हल्दी ही पड़ती है, और भून लो अच्छे तरीके से। मसाला अच्छे तरीके से भून गया और माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जितना मसाला भुनेंगे उतना ही कीमा करेला बहुत ही अच्छा बनेगा। कीमे को डाल दो। आप वेजिटेरियन हैं तो कीमा नहीं डालना, नमक ले लो अपने हिसाब से। अब इसको अच्छे तरीके से मिला लो। बहुत अच्छे तरीके से मिला लो। कीमा पक गया है, ये मैं बताना भूल गई थी, आधा गिलास पानी डालकर मैंने कीमा पकाने के लिए रख दी थी और माशाल्लाह से कीमा पक गया है। अब चाहो तो आप भर के करेले कीमे के साथ में डालें या आप काट के डालें, तो मैंने ये काट के डाली हूँ और मैं आपको एक करेला भर के बताऊंगी कि किस तरीके से भरा जाता है। ये हमारे कुरैशियों का खास स्पेशल डिश है। अब इसको करेले को डाल कर एक 10 मिनट के लिए पकाने के लिए रख दूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि करेला भरा कैसे जाता है। ये करेला है जिसको भूनकर मैंने फ्राई करके निकाल दी थी और ये वो मसाला है जो मैंने काट के करेला डाली। इसको इस तरीके से भरना है। गरम है तो इस तरीके से भरना है और ये धागा है। धागे से इस तरीके से इसको बांधना है।
और इसको इस तरीके से डाल के बना लो। दो ऑप्शन है, या तो आप करेला भरकर बनाइए या आप करेला काट के बनाइए, ये आप करें। और आप भी बनाइए इस तरीके से करेला कीमा और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है आपको तो लाइक करिए। इसको एक 5 से 10 5 मिनट पकाने वापस रखूंगी स्लो आंच पे। करेला बनके तैयार है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।